आज की ताजा खबरों कैबिनेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाताधारकों को बड़ा झटका, इस बैंक ने सेविंग अकाउंट पर 2% कम किया है इंटरेस्ट रेट, आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही ईपीएफओ के 5 करोड़ सब्सक्राइबरों के लिए अच्छी खबर, अब मिलेगा 1 लाख से ज्यादा का क्लेम, आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही देश की राज्य सरकार का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य कर्मियों की मौत पर आश्रितों को मिलेगी नौकरी और विशेष पेंशन, आखिर कौन सी राज्य की सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर के सस्ते होने को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, एक एक करके जानेंगे इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजस्थान में 17 मई तक बढ़ा है कोरोना कर्फ्यू, अब राजस्थान के अंदर नियम हुए और भी सख्त। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार ने सत्ती बरतना यहाँ पर शुरू कर दिया। इस क्रम में अब राजस्थान सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही नियमों को और भी राजस्थान के अंदर सख्त कर दिया गया है। यदि आप दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यदि बिना किसी काम के आप सड़क पर अगर दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत पकड़कर आपका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। यदि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे 15 दिन के लिए आपको यहाँ पर क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही सभी ऑफिस और व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार राजस्थान के अंदर बंद रखे जाएंगे। इस दौरान सभी शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट और पुस्तकालय भी राजस्थान के अंदर बंद रहेंगे। नर्सिंग केवल मेडिकल नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ाई जारी रहेगी, ऑनलाइन पढ़ाई भी राजस्थान के अंदर जारी रहेगी। इसके अलावा शादियों को लेकर भी सरकार की ओर से कुछ बड़े यहाँ पर फैसले लिए गए हैं। मिठाई की दुकानें और रेस्टोरेंटों को भी यहाँ पर खुलने की अनुमति नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी राजस्थान में रात 8 बजे तक ही की जा सकेगी। वह राशन की दुकानें जो राजस्थान के अंदर है उनको यहाँ पर बिना अवकाश के वो सभी को यहाँ पर खोली जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर शादी समारोह में केवल यहाँ पर 21 लोग शामिल हो सकेंगे और 3 घंटों में शादी समारोह को यहाँ पर निपटाना होगा। हालांकि इस 31 सदस्यों की संख्या में बैंडबाजे और कैटरिंग वाले लोग सम्मिलित नहीं हैं। इस दौरान टीकाकरण के लिए जाने वाले लोगों को छूट होगी, वही टीकाकरण केंद्र लोग आ सकेंगे और जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन और पहचान पत्र साथ रखना होगा। वही एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहन से यात्रा करने और यहाँ पर कोई मेडिकल इमरजेंसी यहाँ पर जरूरी होगी, मतलब अगर आप दूसरे एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही आप यहाँ पर दूसरे जिले में जा सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो ईपीएफओ के 5 करोड़ सब्सक्राइबरों के लिए राहत की खबर, अब मिलेगा 1 लाख से ज्यादा का क्लेम। कोरोना महामारी के बीच श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ खाताधारकों के लिए बड़ा यहाँ पर फैसला लिया है। सरकार ने डेथ इंश्योरेंस बेनिफिट की रकम को बढ़ाने का फैसला यहाँ पर किया है। इसका फायदा ईपीएफओ के कम से कम 50 मिलियन यानी करीब 5 करोड़ सब्सक्राइबरों को मिलेगा। अब किसी खाताधारक की मौत पर कम से कम जो राशि है उसको बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए और अधिकतम जो राशि है उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे पहले ये रकम 2 लाख रुपए और 6 लाख रुपए तक यहाँ पर मिलती थी। वहीं श्रम मंत्रालय ने यह आदेश यहाँ पर एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस यानी EDLI से संबंधित है। अगर किसी सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो IDFC फर्स्ट बैंक के ग्राहकों को झटका, इस बैंक ने सेविंग अकाउंट पर 2% कम किया है इंटरेस्ट रेट, नई दरें आज से हुई है लागू। कोरोना संकट के बीच IDFC फर्स्ट बैंक ने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। वर्तमान में IDFC बैंक एकमात्र ऐसा बैंक है जो 1 लाख से कम जमा राशि पर 6% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। वही IDFC बैंक ने 1 मई यानी आज से यहाँ पर सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट घटाने का फैसला किया है। नई दरें आज से ही लागू होगी। बैंक ने कहा है कि जो अपने अकाउंट में 1 लाख से कम बैलेंस मेंटेन करेंगे उन्हें 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। जो कस्टमर 1 लाख से यहाँ पर 10 लाख के बीच मेंटेन यहाँ पर करेंगे यानी पैसे रखेंगे उन्हें यहाँ पर 4.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जबकि 10 लाख से ज़्यादा अकाउंट बैलेंस मेंटेन रहने पर 5% मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिलेगा। वही इस समय प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में यहाँ पर ICICI बैंक 3.5% यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। वही SBI 2.7% रिटर्न दे रहा है। ज़्यादातर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बैंक इस समय सेविंग अकाउंट पर 3 से 3.5% तक रिटर्न दे रहे हैं। वही 1 लाख तक बैलेंस होने पर यहाँ पर जो दूसरे बैंक है वो यहाँ पर 5% और जो RBL बैंक है वो 4.75% दे रहा है। बात करते हैं अगली खबर की, तो बिहार सरकार का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य कर्मियों की मौत पर आश्रितों को मिलेगी नौकरी और पेंशन। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट में बिहार सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक यहां पर बुलाई गई थी। बैठक में कोरोना संक्रमितों की सेवा में लगे स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के हित में बड़ा फैसला लिया गया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर फैसला किया कि कोविड-19 के इलाज में लगे कोई भी स्वास्थ्य कर्मी हो या फिर डॉक्टर की मौत होती है तो परिजनों को विशेष पेंशन और आश्रितों को यहां पर नौकरी दी जाएगी। इस फैसले के मुताबिक डॉक्टर या फिर स्वास्थ्य कर्मी की मौत पर उनका वेतन के बराबर उनके सेवाकाल तक का पूरा भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। इस विशेष पारिवारिक पेंशन का नाम इसे दिया गया है। वही सरकार ने अपने इस फैसले की अवधि में 1 साल का यहाँ पर विस्तार कर दिया है। पारिवारिक पेंशन का यह फैसला पिछले साल ही लिया गया था। कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले को स्वास्थ्य कर्मियों को और डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाने वाला फैसला माना जा रहा है बिहार के अंदर। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, घरेलू गैस सिलेंडर के नहीं घटे हैं दाम, कमर्शियल सिलेंडर 45 रुपए हुआ है सस्ता। सरकारी तेल कंपनियों ने शनिवार को व्यावसायिक मांग को कमजोर रहने के चलते कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 45 रुपए की कटौती यहां पर कर दी है। वही कमर्शियल सिलेंडर अब 1610 रुपए और 50 पैसे में उपलब्ध होगा। हालांकि तेल कंपनियों ने कोरोना की मार झेल रहे लोगों के ऊपर यहां पर फिलहाल यहां पर जो घरेलू गैस उपभोक्ता है उनको कोई राहत नहीं दिया। बता दें कि हर महीने की 1 तारीख को गैस सिलेंडर के दामों में यहां पर उतराव चढ़ाव होता है, यानी इसका जो दाम रेट होता है इस महीने के लिए 1 तारीख को ही हो जाते हैं। वही घरेलू गैस सिलेंडर में अभी कोई भी यहां पर परिवर्तन नहीं हुआ है। घरेलू सिलेंडर अभी 813 रुपए में उपलब्ध होगा। वही सरकार ने पिछले 8 महीनों से सब्सिडी यहां पर बंद कर रखी है। पिछले दिनों घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों के साथ साथ पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार सरकार की ओर से इजाफा किया गया था, जिसके कारण आम आदमी का जो बजट था वो गड़बड़ा गया है। वही दैनिक जीवन में आवश्यकता वाली 3 चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे थे। वही 1 मार्च को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। वही 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी 55 रुपए की बढ़ोतरी यहां पर 1 मार्च के दिन यहां पर की गई थी। यह सिलेंडर अब 1530 रुपए के स्थान पर 1625 रुपए में उपलब्ध होगा। वही फरवरी महीने में 3 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़े थे। वही जनवरी में दाम बिल्कुल शांत रहे थे। इससे पहले तेल कंपनियों ने दिसंबर में 2 बार दाम बढ़ाए थे। सरकार ने 4 फरवरी को सिलेंडर के दाम में 25 रुपए का इजाफा यहां पर किया था। इसके बाद 15 फरवरी को फिर यहां पर 50 रुपए बढ़ाए गए थे। उसके बाद 25 फरवरी को तीसरी बार 25 रुपए और बढ़ाए गए। फरवरी महीने के अंदर 100 रुपए गैस सिलेंडर के दाम सरकार की ओर से बढ़ाए गए थे, तेल कंपनी की ओर से बढ़ाई गई थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना संकट पर अब सख्त हुआ है सुप्रीम कोर्ट, सरकार को दिए है ये निर्देश। पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण हालात यहां पर लगातार खराब होते जा रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रूख अपना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर मदद मांगने पर किसी के ऊपर FIR दर्ज नहीं की जाएगी। अगर कोई राज्य सरकार ऐसा करती है तो उसके ऊपर यहां पर कोर्ट का अवमानना इसे माना जाएगा। वही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि कोरोना के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण नीति क्यों नहीं बनाई गई, टीका तो जनता को ही लगना है तो दो दो कीमतें यहां पर क्यों है, वैक्सीन के अलग अलग रेट पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जवाब मांगा है। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 अलग अलग कीमत पर वैक्सीन खरीदने का अंतर करीब 30,000 से 40,000 करोड़ रुपये का है, ऐसे में केंद्र क्यों नहीं खुद वैक्सीन खरीद कर राज्यों को उपलब्ध करा दे। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के पास पेटेंट एक्ट के तहत वैक्सीन बनाने का अधिकार है, ऐसे में एफिडेविट के मुताबिक 10 PSUSB ये वैक्सीन बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हेल्थ केयर से जुड़े लोगों के लिए भी यहाँ पर कहा है कि नए डॉक्टरों की मदद अब सरकारों को लेनी चाहिए। हेल्थ केयर से जुड़े लोगों की हिम्मत अब जवाब देने लगी है। 25,000 नए डॉक्टर और 2 लाख यहाँ पर नर्सें देश में तैयार है, उनकी सेवा ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेल्थ केयर से जुड़े लोगों को ज़्यादा वेतन देना, मतलब उनको ज़्यादा वेतन देना चाहिए। वही न्यायालय ने सरकार से कहा है कि ICU बेड और दवा की मांग को पूरी यहाँ पर ICU बेड और दवा की मांग पर पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि जरूरत को ध्यान में रखते हुए उचित इंतजाम यहां पर किए जा सके। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, 25 लाख परिवारों को रोजगार देने का सरकार ने किया है ऐलान। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा के तहत रोजगार देने की योजना यहां पर बनाई है, जिसमें 25 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार देने का प्लान है, जिसमें ग्राम रोजगार सेवक और महिलाओं के लिए 100 दिन का रोजगार कम से कम 25 लाख परिवारों को सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद प्रस्ताव जल्द से जल्द लागू होने की संभावना है। वही प्रवक्ता ने कहा है कि राज्य सरकार इसके माध्यम से 25 लाख से अधिक परिवारों को 100 दिन का रोजगार देना चाहती है, यानी 25 लाख परिवार को अधिकतम यहाँ पर 100 दिन का रोजगार देने सरकार चाहती है। वही कोरोना वायरस महामारी में भारी वृद्धि के कारण हम लोग यूपी से वापस आने, मतलब सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस में वृद्धि के कारण यहाँ पर यूपी में कई प्रवासी मजदूर वापस यूपी में आए हैं। सभी 59,000 पंचायतों में होने वाले ग्राम रोजगार के अलावा महिला साथी और उन चुनिंदा मनरेगा साइटों में लगी हुई जिनमें महिला मजदूर है, और राज्य सरकार ने अब हर ग्राम पंचायत में एक महिला साथी को संलग्न करने की योजना यहाँ पर बनाई है। अब देश भर के कोरोना आंकड़ों की, तो भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के केस 4 लाख से भी ज्यादा हुए,
पिछले 24 घंटों में 3,500 अधिक लोगों की हुई है मौत। देश में कोरोना की दूसरी लहर हर दिन खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में भारत में 4,01,911 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। दुनिया में किसी एक दिन में सबसे ज्यादा ये बड़ी संख्या है। ये नहीं, ये आंकड़ा सबसे ज्यादा संक्रमित देश अमेरिका में मिले नए मरीजों से 7 गुना ज्यादा है। वही भारत में, यहाँ पर अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 58,000 से अधिक नए मामले आए हैं। पूरी दुनिया में 8,67,000 नए मरीजों की पहचान हुई है। उनमें लगभग आधे यानी 46% भारत में ही यहाँ पर मरीज नए मिले हैं। वही मौतों के आंकड़े की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें भारत में ही हो रही है। बीते दिन दुनिया में कोरोना के कारण यहाँ पर 14,000 से अधिक लोगों की जान गई है, जिनमें 3,521 मौतें तो केवल भारत में ही यहाँ पर हुई है। यानी दुनिया में बीते 24 घंटों में हुई मौतों में हर चौथी मौत भारत में हुई है। वही सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में 828 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। वही भारत में पिछले 24 घंटों में 4,01,000 के आसपास नए मामले आए हैं। बीते 24 घंटों में कुल 3,521 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों में ठीक हुए लोगों की संख्या 2,58,000 के आसपास है। अब तक भारत में 1,91,00,000 के आसपास लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अब तक भारत में 1,56,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अब तक कुल मौतें भारत में 2,11,000 से अधिक यहाँ पर होते हो चुकी है। वही भारत में फिलहाल एक्टिव केस 32,00,000 के आसपास चल रहे हैं। वही राज्य भर मामलों की बातें करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पिछले 24 घंटों में 62,000 मामले आए हैं। वही 69,000 से अधिक लोग रिकवर हुए हैं। 828 लोगों की मौत हुई। अब तक यहाँ पर 46,02,000 के आसपास संक्रमण टोटल मामले हो चुके हैं। इनमें 38,00,000 के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि यहाँ पर 6,00,000 के आसपास एक्टिव केस चल रहे हैं। बात करें यूपी की तो यूपी में पिछले 24 घंटों में 34,000 से अधिक नए मामले आए हैं। वही 32,454 लोग रिकवर हुए हैं। 332 लोगों की मौत हुई है। अभी इस राज्य में 12,52,000 टोटल मामले हो चुके हैं। इस राज्य में 3,10,000 के आसपास एक्टिव केस बचे हैं। इसके अलावा बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में 24 घंटों में सामने आए हैं 27,000 के आसपास नए कोरोना केस। वही 25,000 से अधिक ठीक हुए हैं। 375 लोगों की मौत हुई है। अभी दिल्ली में 99,000 के आसपास एक्टिव केस चल रहे हैं। इसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 14,000 से अधिक नए कोरोना के केस आए हैं। 13,000 से अधिक ठीक हुए हैं। वही यहाँ पर भी 1,18,000 के आसपास एक्टिव केस चल रहे हैं। बात करें गुजरात की तो गुजरात में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुजरात में 14,000 के पास नए केस यहाँ पर मिले हैं। वही 10,000 से अधिक रिकवर हुए, 173 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में भी 1,42,000 के आसपास कोरोना एक्टिव केस है। इसके बाद एमपी की बात करें तो एमपी में भी कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। 12,400 से ज़्यादा नए पॉजिटिव मामले आए हैं। 13,000 से अधिक ठीक हुए, 17 लोगों की मौत हुई है। वहीं यहां पर भी 90,000 के आसपास एक्टिव केस बचे हुए हैं। एमपी के अंदर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 17,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं।